दिया, इंजेक्शन लगा लगा था था ना किधर? किधर है? बंपर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग कोई खास नहीं है, बस हम वापस जा रहे हैं धूमधड़ाका से। हमारे छोटे उस्ताद से हाँ बुरा रंग कर पहुंच चुके हैं हम लोग स्टेशन। 7 बजे टाइमिंग है ट्रेन का, दादर ट्रेन है। शाम को 4 बजे प्रयागराज में पहुंचाएगी, एज पर स्टैंडर्ड टाइमिंग जो उसका है। कहाँ जा रहे प्रयागराज? प्रयागराज भैया को बुला। भैया इधर आ, इधर आओ। कहाँ जा रहे उधर? कहाँ जा रहे सीट पे? सीट पे नहीं, यहाँ से कहाँ जा रहे हो? प्रयागराज। किसका इंतजार कर रहे हो? ट्रेन, हम ट्रेन के ऊपर बैठूंगा। तो आ रहे हैं। कौन सा वाला? पहले वाला। कौन सा पहले वाला बोल रहे हो? पहले वाला वो पिचकस तोड़े थे, वो तो भर गया था ना, इसलिए तोड़ दिया। क्यों? उसमें से 100 रुपया जितने स्कूल से हम ले आएंगे। हम ले आएंगे। ट्रेन आ रहा है। ट्रेन आ रहा है। अरे अभी तो 72 है। हाँ 72 है। उधर देखो, ऐसे 72 है। ए जरा कहाँ जा रहे हैं हम लोग? प्रयागराज। प्रयागराज मुंह बंद करो। पहुंच गए? हाँ पहुंच गए। हाँ कितना गहरे थे? 19, 20 नहीं नहीं 18, 19 और 21। ऐसे 20 वाला। अच्छा एक ऊपर का है और दो मिडिल के हैं। ये नीचे क्या है? ये नीचे क्या भाई? नीचे का नहीं, नीचे से करा है। अभी खाली ही जाएगा ये वहाँ। शादी का सीन चल रहा है ना, इसमें कोई ट्रेवल नहीं करेगा। हाँ तो भैया को अभी बचा है, अभी दूसरी तरफ लगने का, इधर भी लगवाना है ना, इसलिए उतर रहा चढ़ रहा है। भैया चाय दीजिए। कितना हो गया? 20। हाँ क्या पियो गए? नाश्ते में जो है निकाल के खा लो। मान लो कोई सीट छूटा गया, भीड़ भाड़ होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, सीट वाले दूसरे लोग भी तो आएंगे ना अपना। हैं क्या बोल रही है? मैं नहीं करूंगी अभी, आप मम्मा जी भी चाहिए। ये हटाओ, ऊपर से हटाओ यहाँ से। पहले फाइनली हम लोग सीट पे बैठ चुके हैं। ट्रेन अपने रास्ते पे चल पड़ी है। शाम को 4 बजे हम लोग पहुंचेंगे। 4:30 टाइमिंग वैसे 4 बजे का है। बनारस में चढ़ेंगे सलेमपुर। कोविड के बहाने सरकार हम लोग को बहुत परेशान कर रही है। कंबल वगैरह जो देते थे बिछाने वगैरह के लिए, अभी तक एसी में शुरू नहीं हुआ। टू टायर का भी वही सिचुएशन है। जब रिस्ट्रिक्शन था तो सब चीज़ में होना चाहिए। ये हर जगह का सिस्टम नहीं है। जो यूपी और बिहार से लगे हुए स्टेशन है ना, उन्हीं स्टेशन में ये हालत है। और सारा चीज़ है, बोर्ड वगैरह सब लगा हुआ है, इंडिकेशन भी है इस पर। ये लोग ऑन नहीं करते हैं कि इस जगह पे ये प्लेटफॉर्म, ये डब्बा आएगा। खाने में है आलू का पराठा, गोभी, मटर और आलू की सब्जी। और साथ में क्या लिया है?
दादी भी खाई, खिला देंगे थोड़ा सॉस लगा खिला देंगे। बेलथरा रोड पे ट्रेन रुकी है अभी, चिप्स नहीं खरीदेंगे, पहले ये खाओगे बाद। क्या चल रहा है? हाँ? हाँ? क्या चल रहा है? कुछ नहीं। क्या कर रहे हो? गेम? हाँ मुझे मालूम। कलर कर रहा है। अरे वही एक भी एक तरह से गेम ही है वो। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो भाई? देखो बत्ती लगी गाड़ी। क्या है? देखो वो देखो जा। क्या है? यही है। यही वाली है जिसे ये पहले प्राग आएगा उसके बाद प्रयागराज आएगा। तो पूरे भी हमको पकड़ो, एक मिनट हम यहाँ से 15-20 मिनट और समझे। सो फाइनली पहुंच चुके हैं हम प्रयागराज, जस्ट एंटर कर रहे हैं स्टेशन पे। तो वापस आ गए हम लोग प्रयागराज हैं। भाई साहब को थोड़ा चोट लग गया था कल चलने से पहले। ऊपर झापर खुला हुआ, ऊपर झापर। तो ट्रैवलिंग का हरासमेंट, सर दर्द, बॉडी पेन, मेरा चोट मत दिखाओ। इनका चोट तो भाई साहब का घर ही में लग गया था चलने से एक दिन पहले। छोटा वाली दो टांके लगे हैं। दो टांके लगा है? सुन किया था ना यहाँ पे इंजेक्शन लगा, इंजेक्शन लगा था ना। किधर किधर? बम्पर बम्पर एक बम पे इंजेक्शन लगा है और एक यहाँ इंजेक्शन लगा। और जब जब बम में लगा तो बोला पापा जी। पापा जी, पापा जी का लाडला है ना, इसलिए पापा जी को बोला। बोल रहा है मामा हमको, आप बोलते हो ना इंजेक्शन का फोन लगा। कहते बता दे, हम कहने यहाँ बता दे, बोल रहा था सुनो जी बता दो, तो मैं बोली हाँ बता दो। फिर बहुत डरा हुआ था कि पापा डांटेंगे हमको। बॉडी में सबके ट्रेवल का हरासमेंट है, किसी का सर्द हो गया, किसी को बुखार हो गया है, और जब जगह भी चेंज होता है तो पानी का भी असर होता है इसका। तो खुद सरदर्द हो रहा है, 8:30 बज रहे हैं लेकिन सब सो रहे हैं। जी मन मतलब चाय है क्या? पानी रह जा सो गाइज, होप आपने ब्लॉग इंजॉय किया होगा। कल मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।